आज ही या कल ही में बरसाने के बाबा हैं, उनका कोई संवाद श्रवण कर रही थी। उसमें बाबा कह रहे थे कि श्री राधा रानी विराजमान हैं और श्री ठाकुर जी आज राधा रानी से प्रार्थना कर रहे हैं कि राधा, मैं आज तेरे चरणों में अलता लगाऊंगा, तो क्या ये सेवा मुझे प्रदान करेगी? राधा रानी कुछ बोलती उससे पहले मंजरी बोल पड़ी, ना 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 ना, तू गाय चराने वाला श्रृंगार करना क्या जाने, हमारी राधा रानी का श्रृंगार बिगाड़ दिया तो। पर किशोरी जी ने मंजरी को इशारा दे दिया। मंजरी वो है जो राधा रानी का इशारा ही समझ जाती है। बाबा कहते कि राधा और मंजरी में इतना प्रेम है, राधा जो चाहती है वो मंजरी समझ जाती है और मंजरी जो चाहती है वो राधा रानी समझ जाती है, इतना प्रेम है दोनों। यहां तक कहा कि राधा रानी बैठी है, मंजरी बैठी बैठी सोच रही है मैं राधा रानी की अब क्या सेवा करूं, बहुत देर हो गई कोई सेवा नहीं मिली मुझे, बैठी बैठी इधर ये सोच रही है, उधर राधा रानी को पता लग गया कि इसको कुछ मन में भाव है सेवा करने का। और कहते गोलोक की प्रकृति भी ऐसी है कि वो प्रकृति अपने आप राधा रानी को अपने हृदय में प्यास लगने लगती है, अपने आप, इतना प्रेम है, इतना प्रेम है कि मंजरी को भाव है कि मैं कुछ सेवा करूं और राधा रानी को उसका भाव देख करके प्रकृति ने ऐसा मन बनाया, राधा रानी को प्यास लगने लगी, उसे सेवा का अवसर मिल गया और वो दौड़ कर जाती है, जल लाती है, श्री राधा रानी को प्रदान करती है, इतना प्रेम है। तो ठाकुर जी श्री किशोरी जी के चरणों पर अलता लगाना आरंभ करते हैं, लेकिन जैसे श्री राधा रानी के नख चंद्र का कृष्ण को दर्शन हुआ और नख चंद्र से एक प्रकाश निकला जिसको देख करके, मुख तो छोड़ो, राधा रानी के चरण नख को देख करके ठाकुर जी एकदम विचलित हो गए, शरीर एकदम रोमांचित हो गया, कांपने लगे। श्री राधा रस सुधा निधि कार कहते हैं कि जब पहली बार ठाकुर जी ने राधा रानी का दर्शन किया था, अगर आप इस वर्णन को ग्रंथ में पढ़ लोगे आप समझ जाओगे कि क्या प्रेम होता है। कहते हैं प्रेम सरोवर में पहली बार राधा कृष्ण का मिलन हुआ और राधा रानी को देखते ही वंशी हाथ से छूट गई। वंशी ठाकुर जी के हाथ, वंशी स्खलितम शिखंडम वेणु करान निपतितेन स्खलितम शिखंडम, वेणु छूट गई, भगवान के शरीर सर से मुकुट धरा पर आ गिरा और भगवान मूर्छित होकर के हा राधे कह के बेहोश धरा पर गिर पड़े। सखाओं ने कहा क्या हुआ श्री कृष्ण को, जल लाया गया, श्री ठाकुर जी के मुखमंडल पे जल डाला गया, छींटे लगाए गए ताकि इनको होश आए। हम क्या प्रेम को समझेंगे, क्या जानेंगे प्रेम क्या होता है? हमने संसार में बस स्वार्थ देखा है, इसलिए राधा कृष्ण के प्रेम में भी हमें स्वार्थ दिखाई देता है। लेकिन काश भगवान इतनी कृपा करें कि हम राधा माधव के इस प्रेम को समझ पाए। न जाने इस प्रेम को समझने के लिए कितने जन्म लग जाते हैं, कितने युग बीत जाते हैं। और सूर कहता है कि नाचो बहुत गोपाल अब में, जन्मों जन्मों से बस भटकते ही तो आ रहे हैं, नाचते ही तो आ रहे हैं,
आज तक उस प्रेम को समझ ही नहीं पाए, लेकिन किसी सत्पुरुष, किसी महापुरुष, किसी सद्गुरु के चरणों में बैठ करके इस प्रेम को वो हृदय में प्रकट करने की सामर्थ्य रखते हैं। एक प्रेमी ही प्रेम को समझा सकता है। गोपी के कान में आवाज गई, बंशी वेणु की ध्वनि गई और अपने कार्य को पूरा करने का ध्यान गोपियों के हृदय में नहीं रहा। अगर गोपी सोचती मैं भोजन बना रही हूं, आधा बना भी पूरा बना के जाऊंगी, तो वो प्रेम नहीं होता। प्रेम कहता है तुझे तेरे प्रियतम ने बुलाया है, दौड़ पड़, सारे बंधनों को त्याग के। कोई गईयन के दोहन को भूली, कोई खोल के खुला कपाट चली, कोई अंजन बिखरा गालों पर, कोई दूध सना ले हाथ चली। ऐसा निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, ऐसी ध्वनि गोपियों के कान में प्रकट हुई कि समस्त गोपी भागी भागी श्री कृष्ण के समक्ष एकत्रित हो गई। अगर ये प्रेम नहीं होता तो दो बार सोचती, एक बार जा तो रही हूं लेकिन क्या वापस आने का कोई मार्ग है, कहीं कोई रास्ता है? मैं चली गई, एक बार बंधन तोड़ के निकली तो फिर संसार से रिश्ता टूट जाएगा, वापस नहीं आ पाऊंगी, संसार के योग्य नहीं रह पाऊंगी। शायद प्रेम नहीं होता तो आपस में गोपियां बातें करती, पूछती तुझे चलना है, तू चलेगी मेरे साथ? गोपी कहती है तुझे आना है तो आ, मैं चली। उसको वहीं छोड़ा, भागी श्री कृष्ण की ओर। एक दो दस पचास सौ हजार लाख नहीं, करोड़ों गोपियां आज अपने बंधनों को त्याग करके श्री कृष्ण के सम्मुख उपस्थित हो गई।